बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर सासाराम सांसद मनोज कुमार ने बिहार सरकार पर कड़ा वार किया है। कैमूर पहुंचे इंडिया गठबंधन के सांसद ने कहा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार के संरक्षण में अराजकता का माहौल बना हुआ है। इसके कारण अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने दो दिन पहले हुई बाइक चोरी की घटनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि पुलिस तमाशबीन बनी हुई है और अपराधियों पर कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। सांसद कुमार ने विशेष रूप से कैमूर और रोहतास थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों का जिक्र किया। उन्होंने मारपीट, लूटपाट, हत्या जैसी घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा किया। पुलिस इस तरह के मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही, इससे अपराधियों के खिलाफ उचित कानूनी कदम नहीं उठाए गए हैं। मनोज कुमार ने पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक सरकार अपराध पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं होगा। हम लोग सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब सीवान का, छपरा का और मुजफ्फरपुर का घटना जब मैं देखा, भी हाल ही में हुआ है, तो ये जो घटना था, लगभग 30-36 लोग हमारे गरीब परिवार से लोग मर गए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। इस घटना को मैं देख रहा था, तो ये घटना कोई अंतिम घटना नहीं था या पहला घटना नहीं था। हर साल लोग गलत शराब पीने से, कहने का मतलब खराब शराब पीने से लोग का डेथ हो जाता है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि, कहने का मतलब, अगर शराब बंदी है तो पूर्ण रूप से बंद हो जाए, और नहीं, अगर, कहने का मतलब, इस प्रकार से जब शराब चालू हो रही, तो अच्छा है कि शराब चालू ही हो जाए, अच्छा शराब कम से कम लोग पिए, मरेगा नहीं। लेकिन मेरा अपील होगा कि जब शराब बंदी है तो पूर्ण रूप से इस पर कंट्रोल हो और प्रशासन का कम से कम सक्रियता हो। तो मेरा सुझाव, चाहे माननीय हमारे अजीत सर, उन्होंने जो सुझाव दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ, और चाहे कोई भी, इवन जनता भी स्वागत कर रहे, सुझाव दे रहा है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गलत शराब को नहीं आने दीजिए, अच्छा शराब, अगर, कहने का मतलब, उसे तो अच्छा है कि अच्छा शराब खुल जाए और शराब लोग पिए। तो मेरा ये कहना है कि सभी चीज़ों में आप गलत शराब कहीं से भी नैतिकता के आधार पर अच्छा नहीं है, लोग मर रहे हैं, इसको कंट्रोल करना होगा और इसको बचाना होगा। धन्यवाद। जहाँ आप बैठे, मेरा ये घर है और ये छोटा सा मेरा घर है, इसी में मैं बैठता हूँ, इसी में रहता हूँ। कुछ दिन पहले, दो दिन पहले, मैं एक घटना बता रहा हूँ आपको, दो दिन पहले एक लीलापुर के, हमारे ही घर के बगल में उनका घर है, यहीं सकरी में रहते हैं, रहने वाले लीलापुर के लोगों ने, एक चोर ने मोटरसाइकिल चुरा के भागा, उन लोगों ने पीछा किया, और पीछा करते वक्त उन्होंने, मुझे लग रहा है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन लोग बता रहा था कि जो व्यक्ति का डेथ हो गया, वो व्यक्ति बहुत बार फोन किया था पुलिस को, लेकिन पुलिस फोन नहीं उठाई। यहाँ से लेकर शिवसागर पीछा किया, अगर पुलिस उस बीच में आ गई होती, शिवसागर का पुलिस आ गया होता, या हाईवे वाला जो सुरक्षाकर्मी अगर आ गए होते, तो उस व्यक्ति का जान नहीं जाता। पहले लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी का राज में, आरजेडी का राज में जंगल राज चल रहा है, लेकिन ये कौन सा राज है, आप मुझे बता दीजिए, कैसे हत्या हो रहा है? ये सब प्रशासन का नाकामी है, प्रशासन का नाकामी के चलते ही ये सब हत्याएं बढ़ रही हैं, और जो अपराधियों का जो मनोबल है ना, चरम सीमा पर बढ़ा हुआ। हम लोग को डर लगता है कि रात में कैसे निकले, कहाँ कैसे लोगों से मिले, बड़ा सतर्क होकर मिलते हैं। हमारी भी फोर्स है, हमारा भी गार्ड लोग है, बड़ा बड़ा सतर्क रहता है रात में। तो कहने का मतलब, हम लोग को खुद डर लग रहा है, हम लोग सांसद हैं, मैं सांसद हूँ, मुझे खुद डर लगता है। मेरा परिवार, मेरा वाइफ जब देखती है, तो वो दो दिन पहले जब डेथ हो गया, तो वो आंसू बहा रही थी, बहुत अच्छे आदमी थे, चूंकि हॉस्पिटल से वो जुड़े हुए थे। मेरी भी वाइफ है, यहाँ कुदरा हॉस्पिटल में असिस्टेंट नर्स है, तो वो भी बोले कि बहुत अच्छे आदमी थे, और एम्बुलेंस सारा उनका जिम्मे था कैमूर का। आज एम्बुलेंस तो बंद है, आज सारे, मैं कल देखा एक व्यक्ति का डेथ हो गया, मैं वहाँ रोड पर था, मेरा गाड़ी के आगे, मैं एक जगह से उद्घाटन करके आ रहा था, कोई व्यक्ति नहीं था कि उस लाश को उठाए। मैं वहाँ खड़ा होकर के उस लाश को उठाया, एम्बुलेंस को मंगाया, उसको मैं सदर में भिजवाया। तो ये स्थिति है भाई, क्या कीजिएगा। अब एक सांसद को रोड पे जो लाश पड़ा है, उसको उठवा करके और विदा करवाना पड़ता है। ये स्थिति है प्रशासन और शासन की। तो आप सोच सकते हैं कि कौन सा महाजंगल राज था, जंगल राज था। जनता जो है ना, वो त्रस्त है एकदम, जनता त्रस्त है। मैं ये कहने का, मैं ये नहीं कह सकता कि कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, ये सब मुझसे न कहलवाइए, लेकिन जनता का ये पुकार है कि आज का डेट में अपराध चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और बेरोजगारी जब चरम सीमा पर होगा तो अपराध बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको बेरोजगारी को कंट्रोल करना होगा। ये जो पढ़ लिख करके बच्चे जो है ना, ये जो कॉलेज से निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। हमारे कुदरा में तो बहुत प्रकार का गलत नशा आ गया है,
मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा यहाँ मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। उसी दिन जिस दिन हत्या हुआ है, मोटरसाइकिल चोरी को लेके हुआ, एक और मोटरसाइकिल चोरी हुआ था। तो यहाँ तो अपराधों का एकदम जखाड़ा हो गया, एकदम बर्बाद हो गया कुदरा, जबकि कुदरा बहुत शांत था। लेकिन क्या कीजिएगा, चलिए खैर, हम लोग भी हैं, देख रहा हूँ मैं भी, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अनुरोध है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके चैनल के माध्यम से, इन सारे चीज़ों में आप एक्टिव होगी और खास तौर पर थाना प्रभारी और थाना के पुलिस लोगों को एक्टिव करिए, तब जाकर के अपराध घटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।